Hey, Mira. Hi. Hi, Mira. Hi. 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 बुखार तो नहीं है? नहीं है. Feeling much better. तो फिर तुम घर में क्या करोगे? Come on, let's go. We gotta go party. Come on. लेकिन कहाँ? भूल गई क्या? अजिया का बर्थडे है. उसने अपने खास दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है. अरे उसको विश तो कर. रिया, I'm sorry. It's okay. Happy birthday. Thank you. हाँ. लेकिन ऐसा रूखा सूखा विश मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. तुम्हें हमारे साथ चलना है. रिया, आज नहीं, फिर कभी. एक मिनट. हाँ. तुम अभी ठीक हो ना? हाँ. तो फिर चलो ना, हम तुम्हें यहाँ इसलिए देखने आए थे ताकि हम तुम्हें यहाँ से लेकर जा सके. Come on, let's go, come on. राहुल, ये रिया की बर्थडे पार्टी है और फिर वहाँ पंचम भी होगा. फिर वही बेकार की बात है. मीरा, बेकार की बात तो तुम कर रही हो. जब तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अब तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती. पंचम भी इसीलिए मना कर रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है. अब तू नाटक मत कर. तो come on, you get ready now, fast, come on, come on. No. Come on. अरे come on, you lazy. Come on, get ready, come on. It's my birthday. Yeah. Okay, okay. Yeah. Okay. Riya, मैं चलती हूँ. इतनी जल्दी? मीरा प्लीज थोड़ी देर तो रुको. नहीं नहीं रिया, मैं चलती हूँ. एक मिनट एक मिनट, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ? नहीं, आई मीन मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आती हूँ. रिया, इट्स योर बर्थडे पार्टी, एंजॉय. हाँ, आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर. बाय बाय. प्लीज, आई प्रॉमिस, मैंने पंचम से बिल्कुल बात नहीं की है. प्लीज चलिए. मीरा, एक मिनट. पंचम, मुझे माफ कर दो. पंचम, मैं तुम दोनों के बीच हमेशा दीवार बन के खड़ी हुई. मैं तुम लोगों को अलग करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया. ये माफी मैं अपने सच्चे दिल से मांग रही हूं. अगर इसमें तुम लोगों की खुशियों के अलावा मेरा कोई भी स्वार्थ हुआ तो भगवान करे मेरी बेटी मर जाए. मम्मा, अब आप ये वो भी सब खत्म होने के बाद? खत्म भी मैंने किया था बेटा, इसीलिए इसे शुरू भी मैं ही करना चाहती हूँ. आंटी, आपने पहले भी ये गलती की थी और आज भी ये गलती कर रही है. मैं चाहती हूँ तुम और मीरा एक नया रिश्ता शुरू करो. दोस्ती का रिश्ता. देखो बेटा, इतिहास गवाह है, सच्ची मोहब्बत की किस्मत में हमेशा जुदाई लिखी होती है. मैं चाहती हूँ तुम लोग इस दोस्ती को शुरू करके इतिहास को बदल दो. राजश्री, अरे कहाँ हुई तुम सब? पानी दो. नहीं नहीं, पानी चाहिए. क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है राजश्री, बस आज ऑफिस में बहुत हेक्टिक हो गया था. आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ. ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ. और उसके बाद सोचे तुम सब ने खाना खा लिया? हाँ, मैंने और टीना ने खा लिया. पंचम रिया की बर्थडे पार्टी पे गया है, वो वहीं खाना खा के आएगा. क्या कहा तुमने? पंचम किसकी पार्टी में गया है? रिया की बर्थडे पार्टी में. और रिया की बर्थडे पार्टी में वो लड़की मीरा भी होगी, है ना? यानी मेरे मना करने के बावजूद ये पंचम माना नहीं. मैं अभी इसको कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बेटे को वापस लाने, हमेशा के लिए. और खबरदार राशि, अगर तुमने पंचम को फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि मैं वहां आ रहा हूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना. लेकिन गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे अपने मम्मी के इस बदले हुए बिहेवियर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तू भी वेरी फ्रैंक, मुझे भी भरोसा नहीं है। कोई भी माँ कैसी भी हो, अपनी जवान लड़की की ऐसी कसम कभी भी नहीं खाएगी। लेकिन अगर उन्होंने झूठी कसम खाई है तो उसका फल भी भुगतेंगे। मेरे ख्याल से आज जो भी टेंशन कम हुई है ना, हमें उसे मिलकर एंजॉय करना चाहिए। सो लेट्स एंजॉय। पंचम तुम्हारे डैडी आए हैं। अरे डैड। या बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू अंकल। आप कुछ लेंगे? नथिंग बेटा, थैंक यू वेरी मच। पंचम की मम्मी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि आज तुम्हारा बर्थडे है, और मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हें विश करता आ जाऊं। वैसे काफी कम दोस्तों को बुलाया तुमने बेटा। जी अंकल, बहुत ही खास दोस्तों को बुलाया, और वैसे भी मीरा जैसे खास दोस्त तो आए नहीं है। अच्छा, मीरा नहीं आई तुम्हारी पार्टी में? नहीं अंकल। ओके, आई मस्ट से रिया, नाइस हाउस। थैंक यू अंकल। बहुत अच्छी डेकोरेशन। And I'm sure के जो तुम्हारा कमरा होगा वो सबसे ज्यादा खूबसूरत कमरा होगा। तुमने स्पेशली उसको डिजाइन किया होगा। मैं तुम्हारा कमरा दे सकता हूँ बेटा? मेरा कमरा? क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नो अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ना, आइए। चलो। Choice of colors. चले पंचम। जी डैड। Let's go. Bye. Bye uncle. Bye पंचम। Bye. Oh God. पंचम का अंदाजा सही था। अंकल उसी पर्पस से यहाँ आए थे। और उसका मीरा को छुपाने का आइडिया भी बिल्कुल सही था। मीरा, बाहर आ जाओ। बाग में चल के खेलते हैं, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं सोना, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आती। क्या बात है, आजकल तू हमेशा चुपचाप बैठी रहती है। इतनी याद आ रही है पंचम की? बोल। जैसे कि तू नहीं जानती, पता है सोना, जब से वो गए हैं ना, लगता है जैसे मन में कोई उमंग ही नहीं रही। हर पल उनकी यादें बहुत सताती है। इतनी बेचैनी हो रही है? उनके बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है सोना। ठीक है, मैं अभी जाके बीजी और बाऊजी से बात करती हूँ। ए ठहर जा, किसकी बात कराती है तू? तेरे ब्याह की? फिर देखना, चट मंगनी और पट। अरे मंगनी तो हो चुकी है, हम झटपट से तेरा ब्याह रचा देंगे। चुप कर, कैसे बात कर रही है तू? खबरदार जो उनको इसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं अपने दिन काट लूंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन तेरे दिन आसानी से कटे इसके लिए पंचम से फोन पर बात तो कर ले। हायो रब्बा, शादी से पहले ही बात करो। मैंने सुना है शादी से पहले की बातों का मजा ही कुछ और होता है। चल खा ले। नहीं नहीं मामा, नहीं बस खा लो, नहीं पेट भर गया। नहीं बिल्कुल नहीं, खा ले बेटा। एक मिनट। हेलो हेलो राहुल। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं आज कॉलेज में नहीं आऊंगा। नहीं कुछ खास बात नहीं है। हाँ शाम को बात करते, बाय। क्या बात है, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा? एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, रहमन मूल ही सचिबो फूले फले हो गए। तू कहना क्या चाहता है वो बता। कल पार्टी में तो नहीं मिली थी, पर अब जब कॉलेज जाऊंगा तो मीरा जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज की बजाय
परिवार की चिंता मिटाना ज्यादा जरूरी है। देखा है? देखा तुमने? इस लड़के का दिमाग खराब होता जा रहा है राशि। हाँ, मैंने कॉलेज आने से मना कर दिया था और इसकी वजह तुम लोगों को पता भी होगा। लेकिन माँ ने डैड को समझाया और डैड के कहने पर मैं कॉलेज आ गया। लेकिन माँ से मैंने वादा किया कि जिस लड़की से मेरा रिश्ता पक्का हुआ है मैं उसको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और मीरा से हमेशा मैं दूर रहूंगा। हेलो हेलो, मैं क्या कर रही है? बात करना। मैं राधिका बोल रही हूँ। अरे राधिका, तुमने कैसे फोन किया? वो मैं थोड़ी ना फोन करने वाली थी, वो तो ये सोनामरी ने जबरदस्ती फोन करवाया है। अरे ठीक है, अगर सोना ने फोन करवाया तो इसमें शर्माने की या घबराने की क्या बात है? चलो बताओ कैसी हो। मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अजी हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पंचम के हाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। अबे आप कौन? ये लो, ये हमसे पूछ रही है कि हम आपके हैं कौन। जी हम आपके होने वाले देवर बोल रहे हैं। हाँ राधिका, मैं रिया बोल रही हूँ, पंचम की फ्रेंड। हाय रब्बा, शहरों में कुड़िया भी मुंडों के दोस्त होते हैं। क्यों, सगाई से पहले क्या तुम पंचम की दोस्त नहीं थी? और अब मैं तुम्हारी बात पंचम की बेस्ट फ्रेंड से करवाती हूँ। ओके, वो भी एक कुड़ी है। हेलो हेलो राधिका बेटी, क्या हुआ? फोन कट कर दिया। ऐसे कैसे कट कर दिया? लाओ मैं ट्राई करता। अरे अरे मेरा तो बात करने देना है उससे, ऐसा थोड़ी है। चिराग यार बात भी इसके बारे में यार, मजाक नहीं है। मीरा रुकमणी आंटी को फोन करना। हाँ। मीरा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हेलो देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मीरा को ज्यादा भागदौड़ करने से रोकना होगा, वरना उसे तकलीफ हो सकती है। पर वही हुआ। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर, मैंने मीरा से मना किया था, लेकिन लगता है कॉलेज में दोस्तों के बीच में कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती हो गई। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था। आप भले उसके दोस्तों को इसकी बीमारी के बारे में न बताएं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें समझा तो सकती है कि उसे ज्यादा स्ट्रेस न दे। मैं ख्याल रखूंगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। बीपी चेक किया? अभी नहीं सर, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इसलिए अभी ऑक्सीजन लगाया। बीपी मशीन लो, लेट मी चेक।
को अचानक चक्कर कैसे आ गए? पता नहीं मीरा को क्या प्रॉब्लम हो गई है, आजकल उसे चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है। जब से तुम गए हो वो ज्यादातर बीमार ही रहने लगी है। जब तुम नहीं थे तो हम लोग सब उसे मिलने गए थे, उसका तो ऑलमोस्ट घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। डॉक्टर क्या कहते हैं? रुको, आंटी ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, वो कह रही थी कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। खास प्रॉब्लम न होती तो जरा से चक्कर आने पर ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ता, आंटी से बात करनी पड़ेगी। भगवान मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो भगवान। बेटा मीरा तो ठीक है ना? आंटी मीरा को क्या हुआ है? आंटी सच सच बताइए कि वो आजकल बीमार क्यों रहती है? आंटी आपको तो मेरी शक्ल तक नहीं पसंद थी, लेकिन फिर भी आप खुद मेरे पास चलकर आई और फिर आपने मुझे कहा कि मीरा के दोस्त बने रहो। पहले पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप जैसी मजबूत औरत भगवान के सामने बेबस होकर खड़ी है, मतलब बात कुछ बड़ी है। आंटी प्लीज बताइए मीरा को क्या हुआ है? मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगी बच्चों, अगर तुम कसम खाओ कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मीरा को कैंसर है बेटा।